श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लोखंडवाला के ग्रीन एकर्स ले जाया जा रहा है। करीब आधे घंटे में श्रीदेवी का पार्थिव शरीर ग्रीन एकर्स पहुंचेगा। इससे पहले अनिल कपूर और अनिल अंबानी श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेने खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। खुद बोनी कपूर, संजय और अर्जुन कपूर ने दुबई से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लाया। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को स्पेशल प्लेन में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लाया गया था। बता दें, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लोखंडवाला के घर पर ले जाया जा रहा है। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3:30 बजे होगा। इससे पहले दुबई पुलिस ने इंडियन कॉन्सुलेट और उनके परिवार को मंगलवार दोपहर क्लियरेंस लेटर सौंपने के बाद केस को बंद कर दिया। पुलिस ने बोनी कपूर को भी इस मामले में क्लीन चिट दे दी। फोरेंसिक रिपोर्ट में सोमवार को खुलासा हुआ था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि बाथटब में डूबने से हुई। बता दें, श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी को दुबई के होटल में रात को करीब 11:30 बजे हुई थी। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी ने ट्वीट कर बताया, सभी लोकल प्रोसेस पूरे किए जाने के बाद श्रीदेवी के पार्थिव देह को मुंबई के लिए रवाना कर दी गई है। श्रीदेवी के परिवार की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया, इस भावुक पल में परिवार का साथ देने के लिए मीडिया का धन्यवाद। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार 3:30 बजे विले पार्ले के श्मशान घाट में किया जाएगा। दोपहर 2 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रखा जाएगा। सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब श्रीदेवी के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। दुबई प्रशासन से क्लियरेंस मिलने के बाद श्रीदेवी की बॉडी को लेप किया गया। इस प्रोसेस में करीब 2 घंटे लगे। इससे पहले दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्वीट कर बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सारी जांच पूरी कर ली गई है। प्रेसिंग रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत दुर्घटनावश डूबने के कारण हुई, लिहाजा उनके केस को बंद किया जाता है। उधर दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर संदेह किया जा सके।